अब तुम इसके अंदर एक देखो, ये मॉड्यूल ये काम लेगा ये लड़का, और इस मॉड्यूल की कीमत इससे ज़्यादा है। ये मतलब पूरा डब्बा 3,000 का है, पर ये मॉड्यूल अकेला 2,000 का है। सेकंड, और उसके अलावा ये एंटर बटन दबाओगे तो ये मेन मेन्यू आएगा, और फिर ये एंटर बटन कितने एक सेकंड के लिए दबा के रखोगे ना तो वापस होम पे आ जाएगा। गुड मॉर्निंग। तो देखो, हमारे थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट मिड टर्म आज हुआ है, और अब मैं अपना एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। वो आपको मैंने कहा था ना एक बार कि हाँ मुझे मोबाइल फ़ोन जैसा कुछ बनाना है, तो देखो ये रहा, अभी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। और अभी थोड़ी देर में एक पार्सल भी आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने चैनल का नाम चेंज करवा लेना चाहिए, मतलब कि विमलानंदन सैनी ब्लॉग को हटा दूँ और उसमें अनबॉक्सिंग कर दूँ। कि हाँ मैं हर दूसरे तीसरे दिन अनबॉक्सिंग ही तो करता रहता हूँ। तो अभी विनोद लेने गया तो वो थोड़ी देर में आता ही होगा, पर पता नहीं आज टाइम कितना लगा दिया उसने। वो देखो, वो आ गया। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का डब्बा, आई वॉज क्रिएटेड टू क्रिएट। वैसे ये डब्बा पहले आ चुका है, हम तो बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं वापस इसके कहने पे। अब तुम इसके अंदर एक देखो, ये मॉड्यूल ये काम लेगा ये लड़का, और इस मॉड्यूल की कीमत इससे ज़्यादा है। ये मतलब पूरा डब्बा 3,000 का है, पर ये मॉड्यूल अकेला 2,000 का है। ये मॉड्यूल, इसके अलावा एक ही ESP32, ये दो स्पीकर तेरे, बाकी सब मेरे। हाँ स्पीकर, और एक ये बैटरी भी मेरी है, और बाकी ये सब रिले है, और एक ये स्टेप डाउन वो करने का। तो ये इतना सब कुछ है, और इन सब के रुपए इंदू मैम ने दिए है। नहीं, इंदू मैम ने दिए यार, क्रेडिट दे उनको। हाँ तो अभी थैंक यू मैम। फिर से और उसके अलावा देखो, मेरा ये कोडिंग का चल रहा है, मैं बहुत ही, मेरा दिमाग ख़राब हो गया इसको लेके। मैं आपको रुको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ चलो देखो, विनोद तो अब गया अपने हॉस्टल, और मैं अब अपना काम बताता हूँ कि हाँ मैंने इतने दिनों में क्या काम किया है। वैसे ये देखो, ये मेरे मोबाइल का पूरा आपको मैंने अभी तक बताया नहीं है, तो इसका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ पहले। तो देखो, ये तो डिस्प्ले, ये नेविगेशन बटन, और डिस्प्ले के नीचे ये देखो, ये एसडी कार्ड का मॉड्यूल है जिसमें मेमोरी कार्ड डाला हुआ है, ये माइक्रो कंट्रोलर। और अभी मैं कोडिंग कर रहा हूँ इसमें, मतलब कि आपको रुको कोडिंग में अपलोड करके दिखाता हूँ। ये इंटरफेस है, स्टार्टिंग का इंटरफेस ऐसा होगा। वैसे एक बात को, कोड लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है मुझे। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे पता क्या, ये ESP32 में कोड अपलोड होने में टाइम लगता है। अब देखो, ये पहले लाइन पूरी कंपाइलिंग स्केच करके ये है ना, ये पूरी लाइन कंप्लीट होगी। और उसके लिए यहाँ पे ESP का ये बटन दबा के रखो। मुझे सबसे ख़राब ये बटन दबाना ही लगता है। ये देखो कंप्लीट होने वाली है, मतलब कि हम कोड लिखेंगे ना, ये लगभग कभी कभी तो 1-1.5 मिनट से ज़्यादा ले लेता है कंपाइल होने में। कंपाइलिंग स्केच करके नोटिफिकेशन आता रहता है और बस कंपाइल होते रहता है। ये देखो, ये कंपाइल होना स्टार्ट हुआ है, अब कनेक्टिंग ये हो गया। अब रुकना, इसमें आपको अभी दिखेगा। ये देखो, ये स्टार्टिंग का इंटरफेस है जिसमें ये टाइम दिखाएगा आपको, पर टाइम अभी मैंने सेट कर नहीं रखा है। तो ये स्टार्टिंग का टाइम दिखाता है कि ESP32 को चालू हुए कितना टाइम हो गया, तो 12 सेकेंड। और उसके अलावा ये एंटर बटन दबाओगे तो ये मेन मेन्यू आएगा, और फिर ये एंटर बटन कितने 1 सेकंड के लिए दबा के रखोगे ना तो वापस होम पे आ जाएगा। ये आईफोन वाला बटन है, वो सिस्टम है, बटन दबाओ और बटन प्रेस करके रखो होम पे। तो देखो, ये तो वो कोड है जो कि मैंने सक्सेसफुल लिखा है। उसके अलावा मैंने बहुत सारे कोड लिखे हैं जो कि चले ही नहीं, पूरे ख़राब हुए। पिछले मेरे लगभग 4 से 5 दिन है ना, पूरे उन कोड को लेकर ही ख़राब हुए हैं। मैं कोड लिख रहा हूँ, कोड एरर दे रहा है आपको, मैं दिखाता हूँ वो कोड भी। एक सेकेंड रुकना, उनकी पूरी फाइल बना के रखी है मैंने, ये रहा। ये सारे कोड देख रहे हो ना आप, ये सब के सब बेकार कोड है, ये कोड भी नहीं चला। और हर कोड है ना कितने, लगभग 300 लाइनों का होगा। जैसे कि अभी ये कोड देख लो, तो देखो देखो देखो, ये कोड है 245 लाइन्स का। तो बस सारे कोड ऐसे ही है कि हाँ, कोई कोड 240 लाइन का है, कोई कोड 300 लाइन का है, तो कोई कोड 150 लाइन का है। तो कोड लिखते जाओ, कोड ये
सच में दिमाग खराब होता है यार, एक भी कोड काम नहीं कर रहा, बस एक ही कोड काम किया मेरा इतने दिनों में। पर ठीक, तो अभी अब पता नहीं कि ये प्रोजेक्ट मेरा कब तक ख़त्म होगा, पर हाँ हो ही जाएगा। मुझे लग तो रहा है कि दीपावली तक मैं इसको कर लूँगा, तो उसके बाद जो होगा देखा जाएगा।